गुड मॉर्निंग दोस्तों, मुक्तक दुनिया में आप लोग को स्वागतम। दोस्तों आइए देखिए, गुलाब फूल व्हाइट वाला, पिंक, लाइट पिंक, बेबी पिंक जिसे बोलते हैं, उससे हम आप लोग को वेलकम करते हैं। फ्रेंड देखिए कितना अच्छा फूल खिले हैं, बड़ा बड़ा फूल खिले हैं फ्रेंड। और जो सूख गया है फ्रेंड, जो उसको ऐसे काट देना है, तो फिर दूसरा दूसरा देखिए इस तरह फुटाव निकालता है, तो फिर उसमें फूल आते रहता है। ये वाला जो गुलाब है ना फ्रेंड, उसको ज़्यादा दूर से नहीं काटना पड़ता है, इसका थोड़ा छोटा से ही काटना पड़ता है, ताकि बगल से फूल खिल जाता है। जैसे कि देखिए ये इतना दूर से, ज़्यादा दूर से नहीं करना है, ये अपने ही यहाँ फुटाव निकल आता है। देखिए इसका बगल से आ रहा है। और ये रेड वाला जो है ना फ्रेंड, ये रेड वाला, ये देखिए ये तीन पत्ता जहाँ पे है उसको से नीचे जो पांच पत्ता वहां से कटना पड़ता है। देखिए और एक बार दिखाते हैं। देखिए ये जो तीन पत्ते हो गया ना फ्रेंड, तीन पत्ता के नीचे से पांच पत्ता है उस जगह से कटना है। और इसको हम यहाँ से काट देते हैं। देखिए ये देखिए इसको भी तीन पत्ता के नीचे से कटना है। देखिए इस तरह काट देना है, तो फिर उसमें फुटाव आएगा। जैसे कि इस सब में भी आने लगा फ्रेंड, इस तरह इसमें भी इस तरह काट देना है। और इस सब में पूरा खाद दे के रखा है, एक बार खिल चुका फ्रेंड, ये गुलाब सब में पूरा खिल चुका, तो फिर अभी उसमें खाद डाले हैं, तो फिर इसमें फूल आने लगेगा। और देखिए वहाँ एक दो आने लगा, अब फिर इसमें आएगा। अरे जिसकी इसका फुटाव शुरू हो गया आना, इस तरह हम काट दिए थे ना फ्रेंड, आने लगा। और चलिए हम जिसको लेकर के वीडियो बना रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। चलिए ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी कुछ है, इसको भी हम कटिंग कर दिए हैं। देखिए थोड़ा नीचे नीचे से, यहाँ बहुत सारे फूल खिल चुका था तो हम काट दिए। ये देखिए फ्रेंड, इसको लेकर के हम बात करना चाह रहे थे। ये वाला फ्लावर जो है ना फ्रेंड, इसका नाम है पेशोबिया। तो ये पेशोबिया को लेकर के आज हम छोटा सा आप लोग को बताते हैं। अगर किसी के पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको फ्रेंड कहीं से भी आप लोग ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। इस सीजन में फ्रेंड इतना अच्छा फूल खिलते हैं, जैसे हर सिंगर होते रहता है ना फ्रेंड, बस वैसे ही इसमें फूल होता ही है। और इस तरह डेली होगा इस तरह, और डेली खिल माने झड़ जाता है, एक ही दिन रहता है, पर फ्रेंड इतना अच्छा लगता है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए कल खिला था, ये झड़ रहा है, जो एक दिन पहले वो गिर जाता है। और बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड, नीचे में एकदम व्हाइट हो जाता है गिरता है तो। इसका नाम है पेशोबिया। और इसको हम मैंने इसका कटिंग लगे लगाए थे फ्रेंड। और देखिए कितना बड़ा पेड़ हो गया है, मैंने प्लांट बड़ा हो गया है। और देखिए इसको ज़्यादा केयर के जरूरत नहीं होता है फ्रेंड, गमला में थोड़ा कम बढ़ता है। ज़मीन में तो आपको पता ही होगा कि यह ज़मीन में बहुत अच्छा होता है, गर्मी के सीजन में एकदम जैसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं है। लेकिन जब इसका सीजन आता है ना, बस बीच बीच में पानी देना पड़ता है। और कभी कभी हम जब लगाए फ्रेंड, ज़मीन में ही लगाए हैं कटिंग, और उसी में से हो गया है, उसमें से होते होते फ्रेंड बढ़ा है। पिछले साल बहुत अच्छा फूल खिला था फ्रेंड, बहुत सुंदर लग रहा था। इस साल थोड़ा लेट सीजन है इसलिए थोड़ा कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी बहुत दिन से खिल रहा है फ्रेंड, और डेली खिलता है। और इसका मिट्टी जो है ना, ज़मीन के ही मिट्टी में हम लगा दिए थे, फिर लिक्विड पानी कभी कभी मिल जाता है तो दे देते हैं। और जो किचन वेस्ट है ना फ्रेंड, बगल में हम डाल देते हैं, मिट्टी थोड़ा कुड़ाई करके उसमें बगल में डाल दिए, एक बार दो बार दिए, ज़्यादा नहीं दिए फ्रेंड। और कुछ भी पानी हम लिक्विड होता है ना, तो कभी कभी डाल देते हैं।
और ऐसे कुछ भी कोराई भी नहीं करते हैं, छोड़ दिए ऐसे ही। देखिए इसका जड़ी में कुछ भी नहीं किया हुआ है, बस पानी हम डालते जाते हैं। और हर साल पुराना डाली जो है ना सूख जाता है नीचे से ही, और कटिंग निकाल के वही फूल आने लगता है। ये इतना अच्छा लगता है फ्रेंड कि क्या बोले। इसको आप लोग एक कटिंग लगा देंगे ना फ्रेंड, इस कटिंग से हो जाता है। अभी भी कटिंग लगाने से फ्रेंड बहुत सुंदर। ये देखिए साइड में भी कितना सारे फूल नीचे में है, भी गिरा हुआ है। और ये साइड में देखिए फ्रेंड पीछे से, ये देखिए कितना अच्छा फूल खिले हैं। और जो पुराना डंडी है ना फ्रेंड वो सूख जाता है, और ठीक उसके नीचे से ये टहनी निकल आता है। और निकाल कर इतना सारे फूल हर साल होते रहता है। और जितना पुराना होगा फ्रेंड उतना ही इसमें झाड़ी आ जाएगा। तो फ्रेंड ये नर्सरी में मिलता है कि नहीं तो हमको मालूम नहीं है फ्रेंड, क्योंकि हम कहीं चर्च से ला करके हम लगाए थे। क्योंकि ये जो है ना दार्जिलिंग इलाका, अरुणाचल प्रदेश इलाका, उस सब इलाका में ये जंगल में बहुत होता है, तो उसी इलाका से ही लाए थे हम, मतलब किसी से लाए हैं। तो फ्रेंड बस इसके बारे में इतना ही बात करते हैं। आ इसको कोई स्प्रे नहीं करना है, कुछ नहीं, बस कभी कभी नहला दीजिए और पानी देते रहिए, और अच्छा केयर करने से तो और अच्छा होगा। हम तो केयर ही नहीं करते हैं लेकिन इतना अच्छा होता है फ्रेंड। बस पानी का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पानी देते रहना चाहिए। और सीजन पर बहुत अच्छा से इसका टहनी से देखिए फ्रेंड, जो पुराना डाली है ना उसमें से नहीं हुआ। ये देखिए पुराना डाली है ना, ये देखिए सूख गया है। ये देखिए पुराना डाली सूख गया, उसका नीचे से टहनी से निकल के ये सब हुआ है। हम एक कटिंग लगाए थे फ्रेंड, वो भी हो गया है। उसको अभी जगह चाहिए, लेकिन अभी तक गमले में ही हम देख रहे थे कि इसका डंडी काट के लगता है कि नहीं। बस इसी तरह नोड एरिया होना चाहिए, बस नोड एरिया से फ्रेंड अगर लगा देंगे तो हो जाएगा। अभी भी फ्रेंड अगर कोई भी किसी में फूल नहीं है तो उसमें से लेकर के इसका एक लगा देने से नोड एरिया होना चाहिए। इस तरह गिट्ठा जिसको बोलते हैं ना, उसको नोड एरिया बोलते हैं, ये होना चाहिए। ये होने से वो लग जाता है। तो फ्रेंड मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा, और मेरा ये व्हाइट फूल कैसा लगा बताइएगा फ्रेंड। कितना सुंदर लग रहा है देखिए, इसमें हमको खुशबू तो उतना नहीं लगता है, हल्का सा है, पर देखने में बहुत सुंदर। दूर से फ्रेंड हम देखते हैं ना, इतना अच्छा लगता है कि क्या बताएं आप लोग को। तो वॉचिंग के लिए थैंक यू, और लाइक देने के लिए अगर भूल गए फ्रेंड तो ज़रूर एक लाइक दे दीजिएगा। जितना कमेंट रहता है फ्रेंड उससे कम लाइक रहता है। आप लोग याद से एक लाइक मार दीजिएगा। वॉचिंग के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बाय फ्रेंड।